डीजीपी एसएस विर्क ने बीजेपी का दामन थामा, उनसे इस मौके पर खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। भाजपा में शामिल हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बीजेपी में आए हैं, वजह क्या है? नहीं देखिए, मैं रिटायरमेंट के बाद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल एक्टिविटी में मैंने हिस्सा नहीं लिया, और बीजेपी एक लिमिटेड रोल अदा कर रही थी। इस बार बीजेपी खुल के मैदान में आएगी और एक अच्छी पार्टी, अच्छा नेतृत्व देश के लिए। तो शायद अगर हम वही निज़ाम पंजाब के अंदर ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। पंजाब की जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद हल हो सकें। अब देखिए क्या रहता है, पंजाब का पहले एक पीढ़ी उग्रवाद खा गया, एक पीढ़ी ये नशे खा गए, तो इस वक्त पंजाब की हालत जो है पिछले 15-20 साल में काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय जो है उसमें कुछ बदलाव आएगा और पंजाब को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखा जाए तो आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे हैं, पंजाब के जो हालात हैं उससे बेहतर वाकिफ हैं, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? नहीं मैडम, ऐसा पंजाब के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। अकाली दल हैज़ बीन टेस्टेड, कांग्रेस हैज़ बीन टेस्टेड, तो मगर प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं हैं। लोग आए बदल गए मगर प्रॉब्लम्स वहीं खड़ी हैं। तो शायद पहली बार ये प्रॉब्लम्स हल हो सकें, इसलिए ये स्टेप उठाया है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.